सुबह के साढ़े तीन मुझे निकलना था एक सोलो ट्रिप पे, बट मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है, कभी कुछ तो कभी कुछ। होटल की एक भी बुकिंग नहीं मिली और कल वैसे भी ऋतु को सुबह 3 बजे निकलना था, तो बच्चों का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था, इसलिए प्लान कैंसिल। सब लोग सो रहे थे ऊपर, बट मैं चला गया नीचे सोने, क्योंकि मैं एसी में नहीं सोता, मैं हो रहा हूँ बुढ़ा, मेरे घुटनों में होता है दर्द। भाई ऋतु का अलार्म बज गया, मैं भी सोया भी नहीं हूँ, वो उठने वाली है। मैं सोया था सुबह 6:50 का अलार्म लगा के, लेकिन जो मेरे साथ सुबह हुआ, मैं उठा सुबह 9 बजे जब मेरे घर में आंटी आई, कहती बेटा उठो चद्दर छड़कानी है, एंड आई एम लाइक रशी आपने किया क्या कल, पूरे घर को सर उठा लिया, 3 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना है, हुआ क्या था कल, मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी नहीं गया तुम्हारे चक्कर में, जिम भी नहीं गया पूरा दिन। मैंने ईमेल लिखा पहले कंपनी को, फिर मैंने कंपनी को कॉल किया, तो कहते मैम अभी अभी आपका ईमेल भी मिला है, लेकिन आपकी तो आज की कोई फ्लाइट ही नहीं है। मेरे को लगा हट गई शायद, मगर नहीं मैम लगी तो थी, मैं बस इंटीमेशन तो नहीं आया हटने का। कहते मैम वो कल की है, 5:05 का डिपार्चर, 5:05 का। मेरे साथ एक दिक्कत और है, टाइम वेस्ट। सुबह उठते ही मैं टाइम वेस्ट बहुत कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, फ़ोन पे लग जाऊँगा, इधर लग जाऊँगा, उधर लग जाऊँगा। काम तो मुझे बहुत रहता है, लेकिन सुबह उठ के टाइम वेस्ट करता हूँ, और इसी देर पर जब रात होती है तो बहुत सारा काम आ जाता है, वो वाली चीज़ है। ये मेरा सुबह से 3रा कप चाय है, और अभी सुबह के 11:30 बजे। कल से मैं थोड़ी सी एंग्जाइटी में हूँ, कल रात को भी जब बच्चे और बीवी सो गए थे तो मैं गाड़ी निकाल के एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। पता नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ये मैंने ऋतु को भी जस्ट अभी बताया, एंड ऋतु मुझसे बस बात करी थी, मैंने शेयर किया कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, जब भी आपको एंग्जाइटी, दुख या कुछ भी ऐसा लगे ना, इन लोगों से बात करिए, ये समझते हैं आपकी बात। आप इनको जब प्यार देंगे ना, ये कभी नहीं कहेंगे कभी मेरा मन नहीं है प्यार करने का, या अभी मैं बिजी हूँ, ये हमेशा आपके पास आ जाएंगे। आ रहा हूँ रशी, आ रहा हूँ, माँ को कीड़ा लग गया, निकाल रहा हूँ। बेटा कीड़ा लग गया आपको? जब से इस घर में आया ना, माओ को टिक्स होने लगे ज़्यादा, ये देखो। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी मेरे कैरी मिनाटी के रोज की वजह से हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक ट्वीट भी किया था, कैरी भाई ने जब वीडियो बनाई, बोलते हैं कि बड़े यूट्यूबर्स हैं परमिशन लेके रोज करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, परमिशन नहीं ली गई थी, बट उसका रिप्लाई मैं दूंगा 5:00 PM। माओ के कीड़े लगा देख के ना, मुझे बस को फटाफट नहला देता हूँ इसकी एंटी टिक्स वाली दवाई डाल के। इतनी गर्म जमीन है, हमारे तो पैर जल जाते हैं, पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं यार। आजा पहले मिट्टी। अरे यार रशी को लाने का टाइम हो गया भैया। जल्दी करो, रशी का टाइम हो गया बेटा। आजा चल चल, दीदी को स्कूल से लेके चल 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 चल। मेरे हाथ आपके काम की, आपकी चप्पल कहाँ है? इल्लू की चप्पल कहाँ है? ये पहनो, चलो फटाफट पहनो। लेट हो जाएंगे, दीदी आ चुकी है। हाँ, पहनो 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 पहनो, फेवरेट है इसकी वैसे भी, पहनो, वेरी गुड। आप रशी को खाना खिला लेना आगे। आज पीहू का पहला दिन है जब वो रशी दीदी को स्कूल में रिसीव करने जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि रशी का एक्सप्रेशन कैसा हो जब वो देखेगी कि पीहू उसको स्कूल में लेने आई है। कहाँ जा रहे पीहू? दीदी को। रशी को बहुत टाइम से मैं स्कूल में लेने जाता हूँ, मुझे लगता है उसकी छुट्टी 1:30 बजे होती है, बट जब मैं जाता था 1:25 के आसपास तो बच्चे ऑलरेडी वापस आ रहे होते थे। अबे भैया पीहू ऐसे तो पहुँच चुके, तुम सामान गिराते रहोगे रास्ते में। लेकिन मुझे रिसेंटली पता चला कि बच्चों की छुट्टी 1:20 पे आती है। पीयू दीदी को देखा, दीदी को देखा, दीदी कहाँ? देखो 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 देखो, आज कौन लेने आया आपको? ओले चोटी तो बहुत प्यारी बनाई है आज, क्या बात है, तेरे क्या सकता है चोटी की खुले बाल? चोटी अच्छी लगती है, बस आ रही है। एक्चुअली रशी अब बड़ी हो गई ना, तो घर पे जब इसको मैं बिठाता हूँ कि आज क्या हुआ स्कूल में, आज किस फ्रेंड से बात हुई, दिन में क्या हुआ, तो ये बैठती नहीं है मेरे पास। वो जो स्कूल से घर तक 5-7 मिनट की वॉक होती ना, वो पूरा मेरा टाइम होता है, मेरे लिए वो बहुत ही इनफ है।
मेरे को सब बताती कि स्कूल में क्या हुआ, किस फ्रेंड से दोस्ती हुई, किस फ्रेंड से लड़ाई हुई। चलो वापस स्कूल जाना पड़ेगा, पियू का जूता गिर गया रास्ते में। पियू आपने बताया भी नहीं है जूता कहाँ गिर गया यार, पता को ढूंढना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। देखो दिख रहा कहीं क्या पियू यार, बोरा 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 मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे रुक जाओ ना, ये रहा पियू का जूता, पियू को पिला देते हैं। तो पियू अब गिराना नहीं, ठीक है ना। पियू की तो बार बार चप्पल ही उतरती रहती है भैया, क्या चक्कर, गोदी कर। चलो कल रशि को स्कूल से चॉकलेट मिलती जो हमने आधी आधी शेयर की थी, आज रशि को दोबारा चॉकलेट मिल गई। लेकिन आज शेयर करने वाले 3 लोग हैं, रशि कैसे बांटेंगे आज? लेकिन आज रशि आज मम्मा को बताना पड़ेगा क्योंकि रोज रोज रोका है हमारा। तो हम लोग अपने कल वाले स्पॉट पे ही गए और हमने कहा इत्मीनान से बैठ के चॉकलेट के मजे लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। पियू को भी दे रही हो? पियू को मिल गई, पियू मजा होगा पियू के भी ना। पियू सुनो, ये मेरा रशि का सीक्रेट स्पॉट है, मम्मा को बताना मत कि हम लोग रोज यार चॉकलेट खाते हैं। और मांग रही है ले चुटकी सी हो रशि, और मत दे उसको, और मत दे। हाँ ना मुझे वापस कर दो, लाओ। थैंक यू। सुन तेरे को क्या चलते पापा पिक करने हैं स्कूटी, मम्मा अरे क्या कर दिया। सुनो एक पता है इसका क्या करना, अब इसको फ्रिज में रख देना। मेरा सोना बच्चा तिलक लगा के स्कूल गया था आज। ले लियो मैडम, घर जाने का टाइम हो गया, उठो। रशि ये देखो क्या किया इसने, मिट्टी खा गई पूरी। खाने की चीज नहीं है ये, दिखाओ। आई राम घर भागो, चलो चलो। पियू ने मिट्टी खा लिया। मक्खी तुम फल से खिलाएगा? मक्खी क्या हुआ, क्या हो गया? और लोगे बनाना, कौन बनाना? और लोगे तो भैया तो घर के अंदर ही आ जाएगा। लोगे बनाना, लोगे बना। तुम पूरा जानवर को पूरा एक बार जंगल पालोगी घर पे, बिल्लियों को सब पिलाना शुरू कर, बिल्ली आना शुरू हो गई, सारे बच्चे आना सब आना शुरू हो गए, पूरा परिवार। बंदरों को कहला देती, बंदर आना शुरू हो गए। भैया नींबू ना खा, ये लो बंदर हमारा नींबू खा जाएगा सारा। खा भी यार, मच्छरों से दूर हो जाओ बस। चलो बेटा वो गुस्सा भी कर देगा, सुनो वो गुस्सा कर देगा। भाई हमने अपना जिम निपटा लिया, अभी जा रहे हैं सोने, आज फिर से लेट हो गया। मैं चक्कर से मैं नहीं निकल पाऊंगा भाई, मैं मेरी जिंदगी ऐसी कटेगी, जिंदगी भर मैं ऐसी बुढ़ापे में भी ऐसी मरूंगा। बट हाँ अभी एक नया कैमरा लिया है जो कि है ये वाला, काफी सही कैमरा है ये। तो दिस इज द कैमरा, छोटू सा है ये, एंड इतनी सब इसकी एसेसरीज अटैचमेंट। तो ये सब फिगर आउट करना दोस्तों, कैसे करना है क्या करना है। आज सुबह से बता रहा हूँ उसी में लेट हो गया, बट आज शाम को 5 बजे कुछ ड्रॉप करेंगे इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, देखिएगा जरूर। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को बोलने का एक समय होता है, जब लोग बोलते हैं तब मैं नहीं बोलता, लेकिन आज शाम को 5 बजे मैं बोलूँगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।